यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुँचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज पर, जिसके 14 लेसन हम देख चुके हैं और 15वां लेसन आज हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सारणिक। मैट्रिक्स के अंदर ही सारणिक क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपने इस चैनल को लाइक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन सभी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक क्या होती है वो हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th और 12th क्लास में तो सारणिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। देखिए, सारणिक या डिटरमिनेंट क्या होती है। देखिए, हमने मैट्रिक्स पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या थी, मैट्रिक्स एक व्यवस्था थी। इस तरह से हम कुछ संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करके लिखते हैं, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग काम थे। अब बात करते हैं सारणिक की। तो सारणिक क्या है, सारणिक एक संख्यात्मक मान है। क्या है सारणिक, एक संख्यात्मक मान। कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, जब हम उस मैट्रिक्स को एक विशेष तरीके से हल करते हैं तो उसका एक संख्यात्मक मान आता है। उसका क्या आता है, एक संख्यात्मक मान। वही संख्यात्मक मान जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक संख्यात्मक मान है। जब हम किसी मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं हम किसी तरीके से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान या डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स होगी जिसके आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। और वर्ग मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर। नंबर ऑफ रो यदि मैं m मानूं, नंबर ऑफ कॉलम यदि मैं n मानूं, तो रो और कॉलम की जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपने यदि हमारे पिछले मैट्रिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएंगे, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको वापस से बतानी पड़ेगी। वर्ग मैट्रिक्स मैंने बताया था पहले वीडियो में, वर्ग मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम की संख्या बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से। ये करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझ के करोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिल्कुल आसान आपको ये लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ए मैंने एक मैट्रिक्स ली, और इसमें मैंने लिखा ये कुछ संख्याएँ, इसमें मैंने ली सिंपल सी एक मैट्रिक्स ली मैंने ए। इस मैट्रिक्स में कुछ संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी सारणिक वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पर मैं इसकी क्या निकालूंगा, सारणिक वैल्यू। तो सारणिक वैल्यू जब ए निकालते हैं तो मैं इसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैं इसे डेट ए भी लिख सकता हूँ, या मैं इसे ए के दोनों तरफ इस तरह से लाइन बना के लिख सकता हूँ। यानी ए का जो सारणिक होगा आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डेट ए भी लिख सकते हो, और ए को इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, देखिए ये मैट्रिक्स है 2x2 की, ये मैट्रिक्स किसकी है, 2x2 की। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका वी की वैल्यू निकालने बता रहा हूँ, कैसे निकलती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बार मैं डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट वैल्यू से, और आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, 1 × 4 माइनस में, फिर मल्टीप्लाई करनी है 2 की 3 से, 2 × 3।
यह आपको प्रोसेस याद रखनी है 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने की, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। 1 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 माइनस 6 करोगे तो माइनस 2 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी आंसर, यानी आपके पास इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू आई डिटर्मिनेंट ए आया वो कितना आया माइनस 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, उसकी हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली। किसी भी 2x2 मैट्रिक्स की सारणिक वैल्यू या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे ही निकलेगी, एक पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए यू है, ए बी सी डी, संख्याओं की जगह मैंने क्या मान लिया ए बी सी डी मान लिया, संख्याओं की जगह क्या मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है तो जब ये इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको इसकी गुणा डी से करनी है यानी ए इंटू डी, माइनस बी की गुणा सी से करनी है यानी बी इंटू सी। ये आपको एक तरीका ध्यान रखना है, ये अगर आप तरीका याद रखोगे तो आप 2x2 की इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, इसके अंदर अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं कि ये हमने क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, लेकिन वो आपको पहले समझ में नहीं आएगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप और एग्जांपल करोगे। ठीक है, तो ये मैंने 2x2 का बताया, एक ऐसा ही एग्जांपल मैं 3x3 का भी कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने मैट्रिक्स ए मानी 1 2 3 0 2 1 4 3 1, ये सपोज़ मैंने कोई मैट्रिक्स मानी। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं 3x3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे ये ध्यान रखना। 3x3 जो है वो थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, 2x2 बिल्कुल आसान थी, 3x3 बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान से देखना आपसे हो जाएगी। अब सबसे पहले वहाँ पे पहली वैल्यू ली थी तो यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, पहली वैल्यू लेते हैं, और पहली वैल्यू कितनी है 1 1। अब वहाँ पर क्या कहता है, इस 1 की गुणा नीचे वाली वैल्यू से की थी, जबकि नीचे तो 1 की वैल्यू थी, जबकि यहाँ पर नीचे 1 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, इस 1 को छोड़ दो, ये 1 आपने लिया है, इस 1 की रो और कॉलम को छोड़ दो, यानी इनको छोड़ दो और इनको छोड़ दो, तो आपके पास ये 4 संख्याएँ बचती हैं, ये 4 संख्याएँ बचती हैं, तो यहाँ पर आप इन चारों संख्याओं को एक बार ऐसे लिख लो, 2 3 1 1 2 3 1 1। ठीक है, उसके बाद फिर ये लेते हैं, ये संख्या, ये अगली संख्या लेते हैं 2, मैंने माइनस लगाया, यहाँ पर लिखी अगली संख्या 2। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक काम करो, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो और जो 4 संख्याएं बची उनको लिख लो, इसको और इसको छोड़ दो, 4 संख्याएं 0 4 और 1 1, ये बची है इनको लिख लो, 0 4 1 और 1, 2 हो गया। उसके बाद आप वापस ले 3, तो 3 से पहले मैं निशान लगाऊंगा प्लस का, देखिए यहाँ पे निशान अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस का था फिर माइनस का आया, अब प्लस का आएगा, तो तीसरी संख्या से पहले मैंने निशान लगाया प्लस का, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो तो आपके सामने 4 संख्याएं बचेंगी, 0 4 2 और 3, तो ये आ गया 0 4 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात समझना, जब यहाँ पर हमने किया था सॉल्व, तो यहाँ पर हमने जैसे ए को लिया, तो ए की गुना डी से हमने क्यों की, क्योंकि ए के रो और कॉलम को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो तो डी ही बचता है, तो ए की गुना डायरेक्ट डी से कर दी। बी लिया तो बी के रो और कॉलम को छोड़ दो, सी बचा तो बी की गुना डायरेक्ट सी से कर दी, जबकि 3x3 में जब हम उसके कॉलम और रो को छोड़ देते हैं तो 4 वैल्यू बचती हैं, तो उन चारों की हमें इस तरह से डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले लिख के बाद में डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको चलो आगे हल करते हैं। ठीक है, इसको हल है वो मैं आपको यहीं करके बताता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, यहाँ पर मैं इसको और आगे हल कर रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए ये, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरू में तो 1 है, तो 1, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये वास्तव में 2x2 की डिटर्मिनेंट है, तो इसको हल आप कैसे करोगे, जैसे आपने 2x2 मैट्रिक्स का सारणिक निकाला उसी तरह से हल करोगे, तो क्या करोगे, 2 की गुणा 1 से माइनस 3 की गुणा 1 से, तो 2 एकम 2, ब्रैकेट लगाओ, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, ये आ गया। फिर आगे माइनस का निशान, ये माइनस का निशान 2, या इसको हल करो तो 0 की गुणा 1 से 0, माइनस 1 की गुणा 4 से 4, इसी तरह से प्लस 3, यहाँ पर 0 की गुणा 3 से 0 इंटू 3 0, माइनस 2 की गुणा 4 से 2 चौक 8, यानी यहाँ पर जो हमने बची हुई 4 वैल्यू लिखी है ये अब 2x2 सारणी की तरह है, तो जैसे 2x2 को सॉल्व किया था, इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, वैसे हमने इसको प्रत्येक को हल कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और आप हल कर लो, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखो,
दो माइनस तीन, दो में से तीन गया माइनस एक की एक से गुणा होगी माइनस एक, जीरो में से चार गया तो जीरो में से चार जाएगा तो माइनस चार बचेगा, माइनस चार की गुणा माइनस दो से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार दूनी आठ यानी प्लस के आठ। इसी तरह से यहाँ पे जीरो माइनस आठ है, आठ की गुणा तीन से हो गया आठ तीन चौबीस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे यानी माइनस के चौबीस। इनको आप हल कर लो तो माइनस चौबीस और माइनस एक, माइनस का पच्चीस, माइनस के पच्चीस में से आप प्लस का आठ है तो माइनस प्लस क्या होंगे घटा हो जाएंगे, तो 25 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 17 बचेगा माइनस का, तो माइनस 17 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, तीन बाई तीन का था, एक वैल्यू रखी फिर इसके रो और कॉलम को छुपा दिया बाकी वैल्यू रख ली, माइनस दो वैल्यू रखी इनके रो और कॉलम को छुपा लिया जीरो चार और एक एक ये वैल्यू रख ली, फिर तीन इसके रो और कॉलम को छुपा लिया जीरो चार दो और तीन ये वैल्यू आपने रख ली। अब इसको जब आपने हल किया तो एक, अब ये क्या है टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन, ये इसी तरह से इसको और इसी तरह से इसको आपने हल कर लिया, जब हल किया तो आपके पास एक सिंपल वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, ये हमेशा वर्ग मैट्रिक्स की ही निकलेगी टू बाई टू की थ्री बाई थ्री की। तो ये थी सारणिक वैल्यू, अगले वीडियो में हम इन्हीं के और एग्जाम्पल करेंगे और इनके बारे में और बारीकी से जो है वो चीज़ें सीखेंगे। आज के इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, आप बिल्कुल आराम से निकालना सीख जाओगे। इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट आपको एग्जांपल कराया है ताकि एग्जांपल आप इजीली कर सको। अब जब आप खुद एग्जांपल करोगे एक दो बार या मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताऊंगा तो जो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट है वो आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।